हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आए बहुत ही अच्छे होंगे। हम आए हुए हैं एक सेटअप पे, एक सीन पे करने के लिए एक सीरियल का, और यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं जो मीडिया लोग कैसे होते हैं, जो सेलिब्रिटी के देखिए इंटरव्यू कैसे लेते हैं या मीडिया के, ये सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, और इनसे पूछेंगे, बहुत ही पुराने कैमरामैन हैं, रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, जो सब कुछ है। आपसे ये पूछेंगे कि कितना कैसी लाइफ है, मतलब कितना हार्ड वर्क एक प्रेस रिपोर्टर को करना पड़ता है, कैसे आप लोगों की लाइफ है? लाइफ तो पूछो ना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे जाने का आने का, इसमें कोई टाइम नहीं है। अच्छा, अभी हम सुबह से निकले हुए हैं, 7 बजे के निकले हुए हैं। अच्छा, अभी टाइम देखो क्या हुआ, क्या टाइम हुआ देखना पड़ेगा। 8 बज रहे हैं जी। अभी सेट पर पता नहीं है कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे, जब तक हमें इंटरव्यू नहीं मिलेगा हम नहीं जाने वाले यहाँ से, और उस टाइम तक हम वेट करेंगे। अच्छा, तो कितने कितना दिन मेरे इवेंट्स कवर कर लेते, कितने मतलब आप लोगों के इंटरव्यू ले लेते हैं? तकरीबन 7-8 बंदों का कर ही लेते हैं। 7-8 बंदों लोगों का कर ही जाता है जी, और इवेंट्स भी रहते हैं उसमें, इवेंट्स भी है, इंटरव्यू है, सब करते हैं उसमें, सब करते हैं। तो आप लोग हमेशा बैक स्टेज ही रहते हैं, आप लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन आप जिनको आप फ्रंट में दिखाते हैं वो तो बहुत आगे चले जाते हैं, वो सब बहुत फेमस हो जाते हैं, वो मर्सिडीज में घूमते हैं, वो BMW में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आपके पास कौन सी गाड़ी है इस समय? एक होंडा सिटी पास, देखिए होंडा सिटी है, और होंडा सिटी से ये अभी चल रहे हैं। तो ये जो लोगों को नाम देते हैं, नाम कमाते हैं, क्योंकि मीडिया के बगैर फिल्म इंडस्ट्री अधूरा है, सीरियल इंडस्ट्री अधूरा है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो ये वो जो मसाला कौन क्रिएट करेगा। तो देखिए ये सब ऐसे बूम्स होते हैं, और ऐसे ही लोग आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, और जी तो देखिए, हाँ जी, हाँ जी, तो अरे कोई बात नहीं। तो एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोग जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, ये करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो कैसा अनुभव है आप लोगों का? नहीं, हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल रहता है, लाइफ जो है वो सो नहीं पाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है जी, खाना वक्त पे नहीं खा पाते हैं, कभी नहा नहीं पाते हैं जी, किसी दूसरे की जगह पर रुकना पड़ता है, कभी कभी स्टेशन पर रातें गुजारनी पड़ती है जी, कभी फुटपाथ पर रातें गुजारते हैं हम लोग जी, है ना जी। तो हम लोग ऐसा है कि यार सड़क ही हमारी ज़िंदगी है ना, और सड़क ही हमारी लाइफ है जी। और ये बात सही आपने कहा कि यार हम लोग जिसको दिखाते हैं, जिसको इंटरव्यू लेते हैं, वो तो बहुत मशहूर बन जाते हैं जी, सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं जी, लेकिन मतलब हम वहीं रह जाते हैं, है ना, 20 साल हमें भी हो गया है सुन। अच्छा, हाँ, तो ये बात है कि हम लोगों को उतना हक नहीं मिल पाता है जितना कि आपकी जितने हकदार है। हाँ, लेकिन जो टीवी पे बैठे रहते हैं, जो हम एंकर्स उनको देखते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया पे बैठे रहते हैं, जैसे वो तो अरबों करोड़ों रुपए बन जाते हैं उनके, लेकिन जो फील्ड पे जाते हैं वो अभी बहुत कितने होते हैं, आप सोचो ना, एंकर्स तो कुछ ही होते हैं ना, मतलब जी 5 या 10 एंकर भी होते हैं पूरे टीवी इंडस्ट्री में, देखेंगे 10-20 एंकर ही फेमस हैं, बाकी लोग जो है तो मेन काम तो वो करते हैं इस तरह से। अच्छा, तो ये जो लाइफ है एक आम आदमी के लाइफ है, कितना फ़र्क है एक इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में काम करना और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना, एक मीडिया की क्या लाइफ है? मतलब देखिए, हम लोग का शौक़ है फिल्मों का, टीवी सीरियल का। अच्छा, इस वजह से हम लोग करते हैं यहाँ पे, वरना अगर शौक़ नहीं रहता तो नहीं कर पाते, समझ गए? अच्छा, वो एक जुनून है, एक पैशन है, फिल्मों से लगा रहा है, बचपन से फिल्में देखते हैं, अच्छा आए हुए हैं, सीरियल देखते हैं, तो इस वजह से हम लोग करते हैं कि मतलब कम से कम इसमें ये होता है कि भाई आप शूटिंग देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, स्टार से खरीद रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं जी। तो हाँ जी, तो कितने कितने साल, कितना आपने इंटरव्यू लिया होगा टोटल, अगर 1,000-10,000 के आसपास हो गए होंगे? हाँ, 1,000 से ऊपर ही हो गया होगा, आप सोचो कि 20 साल से हो गए। अच्छा, तो दिलीप, तो पहली बार आपने किसका इंटरव्यू लिया था आपको याद है? से लेकर अमिताभ बच्चन से, पहली बार आपने किसका इंटरव्यू लिया था? पहले सलमान खान का मैंने लिया, सबसे पहले सलमान, उस समय क्या था उनका, किस चीज़ पे इंटरव्यू लिया था? समय उनकी फिल्म आ रही थी फिर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे, अभिषेक बच्चन और सलमान खान। अच्छा, तो उनका पहला इंटरव्यू मैंने ताजलैंड में किया था। अच्छा, अच्छा, लगभग 20 साल हो गया जी जी। तो उसके बाद से फिर मैंने काफ़ी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जी, शाहरुख खान जी, आमिर खान, अच्छा, अजय देवगन। तो पहले जो आपने न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया था वो कौन सी थी? नहीं, सबसे पहले मैंने प्रिंट से शुरू किया था, प्रिंट से शुरू, कौन से अखबार के लिए? अच्छा, हिंदुस्तान अखबार के लिए। मैंने अभी दौर कितना बदल गया है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आने के बाद अखबार में मैंने काम किया, फिर
चैनल्स में आया, म्यूजिक इंडिया चैनल से बुला जी, उसके बाद दूसरे चैनल्स में मैंने काम किया। अच्छा, अब सोशल मीडिया का आ गया है दौर, तो अब सोशल मीडिया के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग जी, यूट्यूब चैनल्स भी हैं जी, वेबसाइट्स हैं जिनके लिए मैं करता हूँ। जनता से कनेक्ट होना, सेलिब्रिटी से कनेक्ट होना कितना डिफरेंस है? जनता से कनेक्ट होना और एक सेलिब्रिटी से कनेक्शन रखना, मतलब कनेक्ट होना उनको, उनकी बातें जानना, कितना डिफरेंस? सेलिब्रिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अच्छा, प्रोफेशनल अटैचमेंट नहीं, लोग जो देखते हैं ना आजकल वीडियोस के बाहर देखते हैं तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो बहुत अलग सोचते हैं जी। हाँ वो सोचते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनको लगता है कि भाई उनके बहुत करीब है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है, शुक्रिया सर। देखिए इसी तरह से यहाँ पे बॉलीवुड्स के जो अलग 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 सेलिब्रिटी है ना, इसी तरह के इंटरव्यूज करते रहते हैं, ये बुरा बैठे रहते हैं पर सेलिब्रिटीज ये करते रहते हैं। तो दोस्तों आपने सुना एक रिपोर्टर के जबान से उसकी पूरी लाइफ कैसी कहानी है, दर्द भरी। तो ये सारे लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, जो प्रेस के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो बॉलीवुड मीडिया हैं और भी मीडिया है, कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीता, आपको सब बातें पता चल गई। जी हाँ, और जो एक्टर होता है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन एक जो फील्ड पर जाता है, जो एक सच्चा पत्रकार होता है, रिपोर्टर होता है, वो लाखों करोड़ों तो नहीं कमा पाता है। तो इनकी यही लाइफ है दोस्तों, और ये ऐसी ही हमेशा इनका इंटरव्यू लेते हैं, इन जैसे एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लेते हैं, एक्टर का इंटरव्यू लेते हैं, और उन्हीं को ही ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और बस क्वेश्चंस करते हैं, फिर वहाँ से वो दूसरे इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा।